सुबह की प्रार्थना। आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया जीवन और नई सोच और नई समझ दी है परमेश्वर ने, और एक हमें नया जीवन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर आज आपकी इस सुंदर से समय के लिए हम आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो मसीह भाई बहन इस वीडियो पर कमेंट करके कहते हैं कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करें, हम परमेश्वर आपके धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर आप देते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो सबके मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आपने तो हर एक मनुष्य को, हर एक प्राणी को, हर एक जीव को, हर एक संसार में जो भी चीज उपलब्ध है पिता परमेश्वर, आपके द्वारा बनाई हुई चीज है पिता परमेश्वर, उसमें सबसे सुंदर आपने मनुष्य को बनाया है कि आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपसे निवेदन कर सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभाल कर रखा और हमें हर पल हर दिन नया जीवन देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। हम उन मसीह भाई बहनों के लिए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो विश्वास करते हैं आपके वचन पर और आपसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज आपने हमें नया जीवन दिया और मेरे परिवार को भी नया जीवन दिया, और मैं हमारा जो भी कार्य है पिता परमेश्वर, हमारे जो दिन के प्रतिदिन के काम है पिता परमेश्वर, सब मैं सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर हर एक काम को मैं सफल बनाता हूँ आपके नाम से परमेश्वर। और खुदावंद आपने मेरे परिवार को और अपने आप को मैं सौंपता हूँ परमेश्वर, आप हमारे परिवार में भी शांति दीजिए, हमारे आस पड़ोस में भी पिता परमेश्वर आप शांति देते हैं पिता परमेश्वर, हमको विश्वास है कि हमारे हर एक कार्य को पिता परमेश्वर आप आसान करते हैं। हम आपसे प्रार्थना और निवेदन और विनती करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन आपसे मिलकर के प्रार्थना करता है। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए कि परमेश्वर आपकी जो इच्छा हो हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। प्रभु आपकी जो इच्छा हो हमारे जीवन में करिए पिता परमेश्वर, हम अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करते हैं प्रभु, आप तो जानते हैं, आप तो सारे एक व्यक्ति के मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, आप संसार की सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले सब कुछ आप हैं पिता परमेश्वर, आपने तो हमें रचा है पिता परमेश्वर, मां के गर्भ में बनाया है और हमारी देख रेख आपने की है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरे मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे संभाला है, पोल पाल पोस करके मैंने बड़ा किया है तुझे, क्योंकि परमेश्वर हमारे माता पिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को परमेश्वर आप हम प्रार्थना के द्वारा हमारा जो ठीक होता है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस सुंदर से समय के लिए, प्रभु इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभाल कर रखा, उसके लिए दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता हम उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब मिले पिता से, जिनके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे हो पिता परमेश्वर, जो जरूरतमंद इंसानों की जो समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, जिनको पढ़ाई करना है पढ़ाई में मन लगे, उनका अच्छा रिजल्ट आए पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं उन सब मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को देखिए परमेश्वर, आप तो हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम रखते हैं, अपना प्रिय हाथ तमाम उन भाई बहनों के ऊपर रख दे पिता परमेश्वर, जो आपसे इस समय प्रार्थना करते हैं सुबह के टाइम पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं आपके वचन पर पिता परमेश्वर, उनके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को देखिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के तमाम दुख भरे को आप चला दीजिए, जो दुख भरे अंग है पिता परमेश्वर उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर में आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर, दूर हो जाए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को आप देखते हैं प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो किसी के शरीर में जलन हो, किसी प्रकार की उलझन हो, दुष्ट आत्मा हो, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं संसार में पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं संसार में पिता परमेश्वर, जिसके अंदर मानसिक तनाव हो पिता परमेश्वर उसे आप दूर करिए, परमेश्वर ने कहा है जो मानसिक तनाव लोग हो रोते हैं पिता परमेश्वर कि जो मेरे हाथ में सब कुछ है तुम परेशान मत हो, तुम मेरे मुझसे प्रार्थना और विनती और वचन के द्वारा बने रहो, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा परमेश्वर, यहाँ पे कहते हैं मैं सब मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन सब मसीह भाई बहनों को परमेश्वर धन्यवाद करते हैं
परमेश्वर उनके हर एक दुख को तकलीफ को देखिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर उनके हर एक दुख को तकलीफ को मुसीबत को हर एक प्रकार की समस्याओं को देखिए अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर उनको चंगा करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को आप चला दीजिए परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है। हर एक मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, विनती करता है प्रभु उनके हर एक दुख को तकलीफ को देखिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपको सारी महिमा हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। केवल आपको मिले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा जो भी मसीह भाई अभिषेक हुए हैं और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज उनको अभी इसी वक्त चंगा करें परमेश्वर। अभी इसी वक्त चंगा करें प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। अभी विश्वास के द्वारा आपके साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके बेटे और बेटियां परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपको सारी आदर और महिमा और सम्मान देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।